मेरा नाम अनुराग पांडे और मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ और मुझे साहित्य बहुत पसंद है, इसलिए फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ना भी मुझे मतलब मिला उनको पढ़ने के लिए। मेरी यादें उनकी तब से ताज़ा हैं जब मैंने पहली मरतबा पीयूष मिश्रा, एक बहुत ही वेटरन एक्टर हैं बॉलीवुड के और वो अपनी सिंगिंग अपनी पोइट्रीज के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने फैज़ साहब की एक पोइट्री रिसाइट की थी कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया। तो मेरी यादें उनकी वहीं से जुड़ी हैं और मैं तब से उनको वहाँ से फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि जिस दौर में हम पैदा हुए तो फैज़ अहमद फैज़ साहब तब तक तो गुजर चुके थे, और मतलब बहुत ही मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने वहाँ से उनको पढ़ना शुरू किया। और आज उनकी जो एक नज़्म एक गज़ल है जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था, कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था, क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था, थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम से फुर्सत थी, थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम से फुर्सत थी, सब पूछे थे अहवाल जो कोई दर्द कमारा गुजरे था, कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था, क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था, कि अब के खिजा ऐसी ठहरी वो सारे जमाने भूल गए, कि अब के खिजा ऐसी ठहरी वो सारे जमाने भूल गए, जब मौसम गुल हर फेरे में आ आ के दोबारा गुजरे था, कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था। और वो आगे लिखते हैं कि थी यारों की बहुतात, थी यारों की बहुतात तो हम अग्यार से भी बेजार न थे, अग्यार यानी कि अजनबी, मैं मानता हूँ सब लोग जानते होंगे कि थी यारों की बहुतात तो हम अग्यार से भी बेजार न थे, जब मिल बैठे तो दुश्मन का भी साथ गवारा गुजरे था, कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था, क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था। अंतिम नज्म पढ़ रहा हूँ कि अब तो हाथ सुहाई ना देवे, लेकिन अब से पहले तो आँख उठते ही एक नज़र से सारा आलम गुजरे था, कि अब तो हाथ सुहाई ना देवे, लेकिन अब से पहले तो आँख उठाते ही एक नज़र में आलम सारा गुजरे था, कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या नज़ारा गुजरे था, क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था। मैं अपने मुझे पढ़ने का मौका मिला, इतने बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।